हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत बुरी तरह गिर गया। मतलब 480 के प्राइस से 180 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। आप खुद सोचिए कितना ज़बरदस्त उसमें गिरावट देखने को मिली है। और उसका रीज़न बहुत, अभी अगर आप देखोगे कि कितना ज़बरदस्त रीज़न था जिसकी वजह से ये गिरा है, तो आज इसको राहत की सांस मिली है। बहुत बढ़िया न्यूज आई है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से ये स्टॉक दोबारा छलांगे लगाएगा, जो ये न्यूज आई है उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, आज ही की डेट में इसमें इस न्यूज़ के बाद आज मार्केट में इतनी ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन इस स्टॉक ने अपर सर्किट टच किया। मतलब 5% की जो अपर सर्किट की रेंज थी उसको टच किया, 175 के प्राइस तक पहुंच गया। अगर आप देखें, आज इसका लो था 161 और 175 के प्राइस तक पहुंच गया रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए बात करते हैं क्या वो न्यूज है इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी देखिए, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो पेट्रोलियम कोक ये यूज करता था उस पर अप्रूवल मिल गया है, उसको इंपोर्ट करने का अप्रूवल मिल गया है। किसकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बहुत बढ़िया न्यूज है ये रेन इंडस्ट्रीज के लिए। तो आज के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी कार्बन स्टॉक्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेट्रोलियम कोक होता है, यानी कि पैट कोक कहा जाता है जिसको, उसको रेन इंडस्ट्रीज यूज करता था और उस पैट कोक से ये बनाता था CPC, कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाता था, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और इस जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था, जिसकी वजह से जो पैट कोक ये एज ए फ्यूल यूज करता था, जिसको बैन किया था, और क्योंकि ये पॉल्यूशन भी करता है इसलिए बैन कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो इसके बैन को इसके लिए हटा दिया है, तो बहुत बढ़िया न्यूज है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अब ये परफॉर्मेंस, मतलब ये चीज़ अभी Q2 में नहीं दिखेगा, लेकिन Q3 Q4 के रिजल्ट्स में ज़रूर दिखेगा और शेयर का प्राइस उछलेगा ज़रूर आने वाले क्वार्टर्स में। अगर आप देखें, बहुत नीचे आ चुका है रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर का प्राइस। बहुत बढ़िया न्यूज है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। और देखें, ये रेन इंडस्ट्री की जो रेन कार्बन वाली जो एक सब्सिडरी है, वो इसको जो पेट्रोलियम कोक को यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ फीड स्टॉक जिसको कहा जाता है, यूज़ करती है। तो बैन क्यों लगा था? क्योंकि जो एमिशन है, कार्बन एमिशन या जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके एमिशन को, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए यूज किया, ये बैन लगाया गया था। रेन कार्बन जो यूज़ करता है GPC, ग्रीन पेट्रोलियम कोक, जो प्राइमरी फीड स्टॉक यूज़ करता है, फिर वो कैल्शियम पेट्रोलियम कोक बनाता है। और बहुत बढ़िया बात है ये रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। चलिए, अगर हम रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें, तो देखिए 5,618 यानी कि 5,618, इतना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बुरी तरीके से गिरा, आप खुद देख लीजिए। और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की, अर्निंग पर शेयर देखिए 1.75 का है, बुक वैल्यू 120 के अराउंड की है, 52 वीक लो है जो 148 का है एंड 475 का 52 वीक हाई है। चलिए एक नज़र ग्राफ पर डालते हैं। टेक्निकली आप ग्राफ पर देखिए, ये स्टॉक 475-480 से नीचे गिर के कितने पर आ गया था? 148 तक आ गया था। अब ये देखिए, ये जो पैटर्न बना है टेक्निकली, आप देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मतलब बुल्स जो है आने लग गए हैं इस स्टॉक में, अभी दिख रहा है। अभी भी कंफर्म नहीं, आप एक दो कैंडल्स और देख लीजिए, पूरा वीक देख लीजिए, फिर देखिए कि किस तरीके से इसमें जंप देखने को मिला है। आप इसको वन डे के अगर पर्सपेक्टिव से देखें, तो देखिए बहुत बढ़िया, आज भी अपर सर्किट लगा। आज मार्केट डाउन थी मॉर्निंग पर, तो ये डाउन था, लेकिन ये देखिए पिछले 148 के बाद लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो अच्छी न्यूज़ है, तो अच्छी बात है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आप देखिए किस लेवल से ये गिरा था, यानी कि 2018 के स्टार्टिंग से इसने गिरना शुरू किया था, धीरे धीरे गिरते गिरते बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये नीचे गिरता रहा, बिना कंट्रोल हुआ ये नीचे गिरता रहा। अब एक राहत की सांस आई है रेन इंडस्ट्रीज के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बहुत जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ राय आपकी हो रेन इंडस्ट्रीज के बारे में, ये एक, अगर मैं कहता हूं कि ये एक जो है राहत की सांस है, लेकिन अभी भी गिरावट, अगर मार्केट में गिरावट होती तो अगला इसका लेवल है तो 100 रुपीज़ तक ये गिर सकता है ये स्टॉक, लेकिन ऊपर जाने में कहीं किसी लेवल पे भी जा सकता है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।